हेलो फ्रेंड्स, अगर आप पीएनबी बैंक में अपने कैश डिपॉजिट कराना चाह रहे हैं तो आइए जानते हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं कैश डिपॉजिट अपने अकाउंट में। इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म चाहिए होगा जो कि डिपॉजिट स्लिप के नाम से जाना जाता है। ये फॉर्म आपको बैंक से भी मिल सकता है और अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फिल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये फॉर्म का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक पार्ट है और ये वाला दूसरा पार्ट है। जो ये बीच से लाइन है यहाँ से फॉर्म कट जाता है एंड ये वाला जो पार्ट है ये वाला बैंक आपको रिटर्न कर देता है विद द स्टैंप ऑफ बैंक एंड ये वाला पार्ट जो है वो अपने पास बैंक रख लेता है। अब इसको हम फिल कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है शाखा यानी ब्रांच। यहाँ पे आपको ब्रांच का एड्रेस लिखना होगा, जहाँ की भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पर लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डेट देनी है, जो डेट को आप डिपॉजिट कराने जा रहे हैं कैश आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट का टाइप है, जैसे सेविंग बैंक है या आपका करंट अकाउंट है या जो भी है, यहाँ पे आप टिक करने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नाम देना है, जो भी अकाउंट होल्डर है उसका नाम दे दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर उसका अपना मोबाइल नंबर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है, जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट कराने जा रहे हैं इसी अमाउंट को यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कैश में, क्योंकि हम डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, आप यहाँ पे कैश लिख दिया। इनकेस अगर आप चेक पे डिपॉजिट कराने जाते तो यहाँ पे चेक लिख के यहाँ पे चेक का नंबर लिख देते तो ये कम्प्लीट हो जाता। अभी हमने क्योंकि कैश डिपॉजिट करा रहे हैं यहाँ पे हमने कैश लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिख दिया एंड टोटल उसको अमाउंट कर दिया और इस तरह ये वाला पार्ट हमारा पूरा कम्प्लीट होता है। आइए हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ब्रांच का नाम लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डेट देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर पे टिक करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का जो भी नाम है वो दे दीजिए। देन उसके बाद उसका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर दे दीजिए। देन उसके बाद उसके ब्रांच का एड्रेस दे दीजिए, जो भी ब्रांच है, जहाँ की भी ब्रांच होती है वहां का यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। देन उसके बाद इसी अमाउंट को, आपको जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कराने जा रहे हैं उसको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कैश लिखना है। अगर चेक हो तो यहाँ पे चेक नंबर लिखना पड़ता है आपको एंड यहाँ पर आपको अपना टोटल अमाउंट लिखना है। टोटल अमाउंट के बाद यहाँ पे आपको टोटल कर देना है जो भी अमाउंट आ रहा है एंड इस साइड में आप देख रहे होंगे आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट कराने जा रहे हैं वो कितने की करेंसी कितने मल्टीपल्स में है वो इसका आपको यहाँ पे विवरण देना होगा। सबसे पहले जैसे हम 10,000 का अमाउंट डिपॉजिट कराने जा रहे हैं तो हमने 2,000 के 5 नोट दिए जिसका टोटल हुआ 10,000 एंड 500 के हमने 20 नोट दिए जिसका टोटल हुआ 10,000। टोटल मेरा अमाउंट हो गया यहाँ पे हो गया 20,000। यहाँ पे हमने टोटल कर दिया। अगर आपके पास 200 या 100 या 50, 20, 10 की या 5 की मल्टीपल्स में भी करेंसी है तो उसका भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख के अमाउंट टोटल यहाँ पे कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म पूरा कम्प्लीट हो जाता है इस तरह से। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज वीडियो अच्छी लगता है प्लीज चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें सो दैट कि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।